नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। केंद्र कृषि मंत्री सह झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद NISA नामकुम में वृक्षारोपण किया और इस अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह ने अंग वस्त्र उड़ाकर उनका स्वागत किया। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि अपने अपने मां के नाम पर हर कोई एक एक पौधा जरूर लगाए। पर्यावरण के संतुलन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। झारखंड विधानसभा के सचेतक विरंची नारायण ने सभी पौधरोपण किया, चंदन के पौधे लगाए गए। पौधरोपण के बाद बूथ नंबर 238 के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक सहित मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रभारी ने बैठक ली। बैठक में के पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी चौहान ने कहा कि मैं भी आपके जैसा एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। श्याम प्रसाद जी का सपना एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के सपने को भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया। सभी कार्यकर्ता झारखंड ने भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम करना शुरू कर दे। वही बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने किया। मंडल अध्यक्ष अशोक मुंडा ने भी बैठक की संबोधित की। वही बैठक के मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ, पांकी विधायक शशि भूषण प्रसाद मेहता, पूर्व विधायक रामकुमार पहान, प्रदेश नेता राकेश भास्कर, प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश महिला अध्यक्ष आरती सिंह, पूर्व सूत्री उपाध्यक्ष ज्वेलेंद्र कुमार, प्रदेश किसान मोर्चा सदस्य मनोज कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, अनिरुद्ध पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। केलांचल टाइम्स, ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।